सेमेस्टर वन का एग्जाम खत्म हो चुका है, अब तो रिजल्ट की तैयारी चालू है और सेमेस्टर टू भी स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारे जगह यूनिट टेस्ट और इनसेम की तैयारी है, बट ये प्रोपोर्शन कम होना चाहिए। कुछ बच्चों का ये हो सकता है, कुछ बच्चों को डर ये लग रहा होगा कि उनका एक या दो सब्जेक्ट के अंदर उनको डर लग रहा होगा कहीं मेरा बैकलॉग ना लग जाए, जिसे हम केटी और फेल भी बोलते हैं। सो इसी से रिलेटेड एक मैसेज मेरे इंस्टाग्राम पे आता है, प्रदीप गिरी 334, ऐसा मैसेज आता है कि सर मुझे बैकलॉग लगने के चांसेस हैं, तो क्या मुझे प्लेसमेंट प्लेसमेंट में प्रॉब्लम होगा? तो इन सभी चीजों को पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ, बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएगी, जिससे आपको समझ में आएगा कि क्या आप गलती करने वाले हो, क्या अभी से आपको चीजें सुधार के रखना चाहिए। ये सभी चीजें इस वीडियो के अंदर आपको पता चलेगा, इसलिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए। तो भाई प्रदीप गिरी 334 पर जाके आप फॉलो कर सकते हो, क्योंकि वहां जो आप मैसेज मुझे भेजते हो उस चीज उन सभी चीजों को एनालाइज करके मैं आप सभी तक एक वीडियो पहुंचाता हूँ, जिससे आपको बहुत सारी चीजें पता चलती है। हाँ सिंपल सी बात है, इतने सारे क्लास के बच्चों का मैसेज आता है तो सबको तो रिप्लाई नहीं दे सकता, बट जब मैं देखता हूँ कि कॉमन बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं और सभी के इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन उनके दिमाग में है, तो मैं उससे रिलेटेड आंसर आपको देख के डायरेक्ट वीडियो बना के आंसर दे देता हूँ। तो भाई यहाँ जाके आप फॉलो कर सकते हो। सो अब भाई, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर मैं बात करूँ जब कंपनियां आती है, और जनरली ये प्रोसेस जो चालू होता है वो 7th सेमेस्टर 8th सेमेस्टर में रहता है और बहुत सारी जगह 6th में भी स्टार्ट हो जाता है, तो उन कंपनियों का कुछ क्राइटेरिया होता है, जैसे कि उनका 10th और 12th के भी मार्क्स का भी क्राइटेरिया होता है, कहीं 60% का, कहीं 70% का। मोस्टली ज्यादातर जगह तो 60% का ही रहता है, बट कुछ कंपनियां 70% भी उनको चाहिए 10th और 12th के अंदर। और इसके साथ ही भाई, जो आपका ग्रेजुएशन जिस सेक्टर में आप ग्रेजुएशन कर रहे हो ना, उसका भी पॉइंटर का वो रखते हैं कि इतना परसेंट तो चाहिए ही, इतना परसेंट तो चाहिए। इसलिए मैंने बार बार बोला है कि अभी तो आपके हाथ में ही है कि एटलीस्ट आपको 7.5 पॉइंटर तो अपना रखना ही है, बैलेंस बना के रखना ही है, कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां जिसके अंदर इतना तो ग्रेजुएशन का चाहिए तो चाहिए, अगर इतना नहीं है तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, इसलिए बोल रहा हूँ भाई इतना करके। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर मुझे सेमेस्टर वन में केटी आई है, तो क्या मुझे वो जो मतलब मैं वो इंटरव्यू में बैठ सकता हूँ, क्या मुझे वो बैठने देंगे, क्या मैं उस क्राइटेरिया में फिट बैठूंगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन। तो देखो भाई मैं एक ही चीज क्लियर कट बताना चाहता हूँ, जब भी वो कंपनी आई आपके कॉलेज के अंदर या तो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में जब आप गए, तो उन कंपनियों जब वो आप जा रहे हो उस समय, जैसे कि आप 4th ईयर में, मतलब कि आप 3rd ईयर के, मतलब आप 7th सेमेस्टर में हो, जब आप 7th सेमेस्टर में हो तो 7th सेमेस्टर के टाइम आपके पास कोई भी केटी नहीं होना चाहिए, मतलब कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए, किसी सब्जेक्ट में आप फेल नहीं होने चाहिए, तो कोई टेंशन ही नहीं। अगर मान लो आपको 1st ईयर में कोई केटी लगा था, 2nd सेमेस्टर में कोई केटी लगा था, 3rd सेमेस्टर में कोई केटी लगा था, 4th सेमेस्टर में कोई केटी लगा था, और आप 7th सेमेस्टर में जाके आप क्या कर रहे हो, इंटरव्यू दे रहे हो, इंटरव्यू के लिए मतलब उसी में अप्लाई करोगे, तो उस समय आपके पास कोई भी केटी अगर नहीं रहा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। मान लो आपको सेमेस्टर 1 के अंदर 3 से 4 सब्जेक्ट में इनकेस लग गया, 3 सब्जेक्ट में लग गया, तो वो भी आप अगर आपने उसी समय 2nd सेमेस्टर में जाके क्लियर कर लिया, 3rd सेमेस्टर में जाके क्लियर कर लिया, तो भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर कट ये दिमाग में रख लो। हाँ बस एक चीज याद रखना, हमेशा लाइफ में मैंने हमेशा बोला है कि बैकलॉग, केटी या तो जिसको हम फेल बोलते हैं, इन सभी का आना बहुत बड़ा टेंशन दायक होता है। क्यों टेंशन दायक होता है? क्योंकि जिस सेमेस्टर में रहते हैं ये पिछले सेमेस्टर का रहता है, तो उस सेमेस्टर को भी अच्छे से करो, पिछले सेमेस्टर का भी करो, और हमारे सर पे सरदर्द बढ़ जाता है, समझ में आया? इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर कोई आपको सब्जेक्ट बहुत ज्यादा हार्ड लग रहा है तो आप एटलीस्ट ये ट्राई करो कि इसमें मैं क्लियर हो जाऊं, और बाकी सब्जेक्ट में अच्छा, जो सब्जेक्ट दूसरे हैं उन सब्जेक्ट में अच्छा करके स्कोर को अपना बढ़ा दो, क्योंकि स्कोर को भी तो मेंटेन रखना है अपने को, अगर अपने को जॉब चाहिए तो स्कोर को भी मेंटेन रखना है। तो प्लेसमेंट में ये सभी चीजें देखी जाती है। अगर अगर आप 7th सेमेस्टर में पहुंचे और 7th सेमेस्टर में अगर आपको कोई केटी है तो प्रॉब्लम हो सकता है भाई, इसलिए मैंने बोला कि जब कंपनियां आ रही है उस टाइम तक आपका पूरा क्लियर सभी चीजें होनी चाहिए। और एक चीज याद रखो, ज्यादातर बच्चों को, मतलब इंजीनियरिंग करने वाले जो बच्चे जो समझ चुके रहते हैं इंजीनियरिंग को, जो अपनी गलतियों को समझ चुके रहते हैं, थोड़े मैच्योर हो चुके रहते हैं, क्योंकि पहले उनके अंदर उतना वो नहीं रहता 1st ईयर में, क्योंकि नए नए गए होते हैं, उनको समझता नहीं इंजीनियरिंग क्या है, या बहुत सारे प्रॉब्लम बहुत सारी चीजें होती है जिसके उनको केटी आ जाता है, बट 2nd 3rd ईयर तक वो सभी चीजें समझ चुके रहते हैं। तो जनरली जो केटी आता है, बैकलॉग आता है, जो बच्चे फेल होते हैं, ज्यादातर बच्चे 1st ईयर में ही फेल होते हैं। तो भाई मैंने ये चीजें बहुत पहले से बोली है कि पहला तो ट्राई आपको करना ही नहीं है, कि वो होना ही नहीं चाहिए,
बट एटलीस्ट आ गया तो इसको जल्दी से जल्दी निकालने का ट्राई करना चाहिए, उसको रोक के रखने का ट्राई नहीं करना। जितना रोक के रखोगे ना उतना ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ता जाएगा, समझ में आ रहा? क्योंकि आगे आगे बहुत सारे जगहों तो ऐसा भी है, बहुत सारे यूनिवर्सिटी में ऐसा भी है कि अगर आप जितना भी केटी लाओ आप आगे के बढ़ते जाओगे, आगे आगे बढ़ते जाओगे, आपको 10 KT आ गया फिर भी आगे बढ़ते जाओगे, आगे आगे बढ़ते जाओगे, बस 4th ईयर तक उसको निकाल लेना है। ऐसे बहुत सारे जगह ऑप्शन है, जैसे PTU में भी ये ऑप्शन है, बट ये बहुत बड़ा सरदर्द होता है बहुत सारे जगह। तो ऐसा अगर 4 आप KT ला देते हो तो आपको अगले साल का ड्रॉप हो जाएगा, अब अगले साल जा नहीं सकते। तो ये सभी रूल अपनी यूनिवर्सिटी का पता लगा लो। और मैं बोलो पता लगाना छोड़ो भाई, पहले बैकलॉग लाना ही नहीं है, क्योंकि आगे जाके आपको अच्छा खासा जॉब पाना है। हाँ एक चीज और एक चीज और बोलूंगा, देखो ये जो प्लेसमेंट्स होते हैं ना कॉलेज के कैंपस ऑफ कैंपस, ये सभी स्टार्टिंग का ही, जब हम नया नया जॉब अप्लाई करते तभी का नाटक है। इसके बाद तो क्या होता है पता है, आपका नॉलेज कितना है वो देखा जाता है, आपका नॉलेज कितना है वो देखा जाता है। बहुत सारी कंपनियां कुछ सालों जब आपका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है आपके अंदर, वो स्किल्स वो नॉलेज भले आपका उस समय परसेंट बहुत कम था, पर उस समय कंपनी आपके लिए दौड़ती है कि भाई इस बंदे को अपने इधर लाऊं वहां तो मेरी कंपनी ऐसे यही रॉकेट की तरह जाएगी, तो वो आपके लिए दौड़ती है और दौड़ लगाती कि नहीं मुझे इसको किसी भी हालत में कितना भी देके मुझे इसको लाना ही है। तो भाई इससे बोल रहा हूँ ये 4 साल के अंदर अपने आप को चेंज करने का ट्राई करो, कुछ नया सीखने का ट्राई करो, जो कर रहे हो उसमें कुछ नया लाने का ट्राई करो। तो देखो भाई ये सब जो टेंशन है ना ये सब भी टेंशन खत्म हो जाएगा। हाँ हो सकता है आपके कॉलेज के अंदर प्लेसमेंट नाम की कोई चीज ही ना हो, आपके कॉलेज के अंदर प्लेसमेंट नंबर की कोई चीज ना हो, और इसीलिए आपके दिमाग में ये टेंशन चल रहा होगा कि सर मेरे इधर तो प्लेसमेंट मतलब, क्योंकि अब मुझे पता चल गया स्टार्टिंग मैंने बड़े बड़े बैनर्स देखे थे मेरे कॉलेज के कि यहाँ इतने लोगों को प्लेसमेंट मिला, अब अंदर आके मुझे पता चल रहा है यहाँ प्लेसमेंट मतलब कुछ नहीं है। ये बहुत लोगों के साथ हुआ होगा, ये बहुत लोगों को पता चला होगा। तो टेंशन मत लो ना यार, आपका नॉलेज यार ये थोड़ी कहीं गया है, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट है ना उसके बारे में आगे सर बताएंगे, सभी कुछ चीजें है, टेंशन नहीं लेने का। तो भाई वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अपना सपोर्ट एंड प्यार बनाए रखना। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।